देखिए, अपन जब दुनिया को देखते हैं, है ना, तो दुनिया को जब देखते हैं तो दुनिया काम क्या करती है मालूम है? आप जो कुछ कर रहे हैं उसको देख करके नकल मारती है। तो अपन को जब पता चल गया कि दुनिया नकल मारने वाली है, तो अपन ऐसे ऐसे काम करें कि दुनिया अपन को देख के करे, ठीक है। जो जो काम हम करेंगे, जो जो काम आप करेंगे, वो लोग करेंगे आपको देख करके। तो जब आपको इतनी अच्छी बात पता चल गई, आपने खेत में लगाया गेहूं, तो आपको देख के आपसे लोग पूछेंगे क्यों क्या लगाए हो, तो आपने बताया हम गेहूं लगाए, कौन सा गेहूं लगाया, ये वाला, तो बोले हम भी लगाएंगे यही वाला। आपने कहा हमने इस बार ये वाली धान लगाई, तो वो भी यही वाली धान लगाएंगे, ठीक। इसी तरीके से आप जो कुछ भी करते जाएंगे आपको देखकर लोग करेंगे, ठीक है। बच्चे किसको देखकर सीखते हैं? अपने माता पिता और दादा दादी को देखकर, ठीक है। किससे सीखते हैं बच्चे? माता पिता दादा दादी से। यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी जो है इंसान को देखकर सीखते हैं। जिस घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, उस घर का जो जानवर भी है ना, वो भी झगड़ाऊ हो जाता है। कुत्ता कहते हैं बड़ा सीधा कुत्ता है, क्यों सीधा है? उसके घर के लोग सीधे साधे हैं। कुछ लोगों के घर में हो सकता है उल्टा, लेकिन आपको देख करके बहुत सारे लोग बदलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपको बदलना पड़ेगा खुद को। किसको बदलना पड़ेगा? खुद को। हम नहीं बदलेंगे तो देश कैसे बदलेगा। अपन गीत गाते हैं ना, कौन सा गीत है बोलना, हम नहीं बदलेंगे तो ये देश कैसे बदलेगा। पर अगर थोड़ा जोर से बोले तो, इतने सारे बच्चे हैं, कम थोड़ी हैं, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, कम है? कम नहीं है, और भीड़ हो जाएगी तो हल्ला ज्यादा होगा, सही है। जब अभी जितने हैं उतने में अच्छा है, फिर तो सर प्रसाद वाले रहेंगे। अभी आप लोग आए हो तो आप लोग ज्ञान भी लेने आए हो, है ना, बोलो। हम नहीं बदलेंगे तो ये देश कैसे बदलेगा। हम नहीं बदलेंगे तो ये देश कैसे बदलेगा। देश कैसे बदलेगा, परिवेश कैसे बदलेगा। हम नहीं बदलेंगे तो ये देश कैसे बदलेगा। बदलना किसको पड़ता है? हमको खुद को बदलना पड़ता है। जब आप अपने घर के सामने, हर व्यक्ति यदि अपने घर के सामने झाड़ू लगा ले, है ना, यदि हर व्यक्ति अपने अपने घर के सामने सफाई कर ले, अच्छे बताइए, कोई दूसरे को नहलाता है कि खुद को नहलाता है? अपन खुद को नहलाते हैं ना, तो खुद को नहलाते हैं अपन, तो उससे सारे लोग साफ हो जाते हैं। और अपन सोचेंगे आज हमको उसको नहलाना है, और वो कहेगा हमको आज नहीं नहाना, ठंडी है, है ना। तो हमको साफ किसको करना है? खुद को। अपने अपने घर को, अपनी अपनी गलियों को, अपनी अपनी नालियों को, ठीक है। अगर हमने साफ कर दिया तो हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारा देश सब साफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे गांव को साफ करने जा रहे हैं और अपने घर में झाड़ू नहीं लगाए, ठीक, अपने घर की गंदगी भी साफ करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अपन अपने महानदी मैया की सफाई करते हैं। अपन क्यों महानदी मैया की सफाई करते हैं मालूम है? महानदी मैया की सफाई इसलिए करते हैं अपन क्योंकि हम अपने गांव की नदी, हमारी महानदी मैया हमारी गंगा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे माता पिता हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, ठीक है। हमारे माता पिता हमारे क्या हैं? भगवान हैं, ठीक है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरे दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, दूसरे दूसरे तीर्थों में जा रहे हैं, और भगवान कहाँ बैठे हैं? हमारे घर में। अब ये शंकर जी हैं, इनको शंकर जी को आप लोग नहलाते हो कि नहीं? कभी त्योहार के दिन बेचारे ताके रहते हैं,
अगर आप लोग चाहो तो एक लोटा जल रोज जो है भगवान शंकर जी को डाल सकते हो कि भगवान भोलेनाथ जी आप बैठे हो तो हम आपकी सेवा में आपकी पूजा में उपस्थित हैं, ठीक है। तो जब आप ये सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि आप जो है कुछ अनोखा प्राप्त करेंगे, ठीक है, और आपको देख करके लोग भी करेंगे। सोनाली अच्छी बेटा, ठीक है, कहाँ जा रही परी? कहीं तो खा रहे हैं तो ये बेबे मांग रहा। अच्छा, बोले शंकर भगवान की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, हमारे माता पिता की जय, दादा दादी की जय। तो ओम नमः शिवाय अपन जाप करेंगे, ठीक है, बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। आपने जानना चाहा है कि गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म है ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका मतलब जानना चाह रहे हैं आप। देखिए, जो हमारे समझ में आता हम वो बताने का प्रयास करेंगे, कोई उससे संतुष्ट होगा कितना होगा अपन को नहीं मालूम, है ना। गुरु ब्रह्मा, गुरु कौन, सबसे पहले तो गुरु को समझें। गुरु वो है जिसमें अगर बिल्कुल सरल भाषा में